दोस्तों, अगर आप फायर एंड सेफ्टी फील्ड का कोर्स करना चाह रहे हैं या फायर एंड सेफ्टी फील्ड में कोई भी कोर्स करके अच्छी अर्निंग प्राप्त करना चाह रहे हो, इसमें अच्छा करियर सेट करना चाह रहे हो, तो हम आज बात करेंगे कंप्लीट इस कोर्स के बारे में, कौन कौन से कोर्स होते हैं और कौन से कोर्स में कितना क्या स्कोप है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। मैं हूँ संदीप गोस्वामी, SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट सीकर से। तो दोस्तों, इसमें अनेक कोर्सेज होते हैं जो आपके करियर को बिल्कुल आगे ले जाने में सहयोगी होगा, आपको एक अच्छी अर्निंग लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में अपन जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास, यानी आपने 10वीं पास कोई भी बोर्ड से किसी भी स्टेट से आपने अगर कर रखी है, तो आप इस क्वालिफिकेशन के आधार पर फायर एंड सेफ्टी फील्ड में बेसिक कोर्स होता है 6 महीने का, सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी एक सर्टिफिकेट होता है 6 महीने का। उस प्रमाण पत्र के आधार पे कोई भी स्टेट में आप 10th बेस की जो वैकेंसी निकलती है नगर निगम के अंदर में, उन वैकेंसियों में आप उस कोर्सेज के आधार पे आप बिल्कुल उसमें प्रवेश ले सकते हो, बिल्कुल आप उसमें भाग ले सकते हो। गवर्नमेंट वैकेंसियाँ साथियों हर एक स्टेट में निकलती रहती है। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, अगर आप 6 महीने का कोर्स इसी क्वालिफिकेशन 10th बेस पे करते हो, तो भी आप प्राइवेट कंपनियों में अच्छी वेतन, अच्छा आप अर्निंग प्राप्त कर सकते हो, अच्छी आप सैलरी ले सकते हो। 14,000 न्यूनतम सैलरी इस कोर्स करने के बाद में आपको हर एक कंपनी वाला, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हो, अच्छा आप नॉलेज ले रहे हो, तो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथियों, अगर आप नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, सेकंड कोर्स की बात करते हैं, अगर आपने 12th पास कोई भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से, आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास अगर आपने कर रखी है, स्ट्रीम कोई सी हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखी है, उस कोर्स के आधार पर भी आप, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर भी आप फायर एंड सेफ्टी फील्ड में 1 ईयर का कोर्स कर पाओगे, जिसमें फायर एंड सेफ्टी दोनों स्ट्रीम के आपके जो कोर्सेज है वो ऐड रहेंगे। फायर की जो भी वैकेंसी है उसमें भी आप वो डिप्लोमा लगवा सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो सेफ्टी फील्ड में जाने के लिए। वो भी एक फायर फील्ड से अलग है, सेफ्टी फील्ड भी एक जॉब है जो आपको इसी कोर्स के आधार पर प्रोवाइड होगी। दोनों की सैलरी की बात करें, न्यूनतम आप किसी भी कंपनी में अच्छा नॉलेज इंस्टीट्यूट में लेने के बाद अगर कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो 18,000 प्लस सैलरी आपको स्टार्ट में मिलती है। बात करते हैं ऑफिसर लाइन के कोर्स की, तो फायर में भी ऑफिसर लाइन का कोर्स होता है, उसमें क्वालिफिकेशन के आधार की बात करें, ग्रेजुएशन आप कोई भी स्ट्रीम से कर रखी है, किसी भी स्टेट से, तो भी आप ऑफिसर लाइन का कोर्स कर सकते हो। अगर आप दूसरी फील्ड की बात करें, सेफ्टी ऑफिसर की, तो भी आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, और उसमें भी बहुत सारे आप ग्रेजुएशन के आधार पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट, बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स होते हैं, उस आधार पे किसी भी कंपनी में आप अच्छा वेतन प्राप्त कर सकते हो। तो ये फायर एंड सेफ्टी के कुछ एक कोर्सेज है जिसके आधार पे आप अपना करियर बिल्कुल बना सकते हो। साथियों, मेरा मानना यही है, जितने भी विद्यार्थी SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके एक अच्छा वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका फीडबैक यही है कि इस कोर्स के आधार पर ही अपन ने हमारा जो करियर है वो सेट हुआ है। तो साथियों, हम भी आपको यही गाइड करना चाहेंगे, बिल्कुल आपको इसी वे में लेके आना चाहेंगे कि कंप्लीट आप SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट चूज कीजिए, अच्छा ट्रेनिंग लीजिए, अच्छा प्लेसमेंट लीजिए, उसके बाद में आप अपना करियर बनाइए। धन्यवाद।